हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए, आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आई होप आपको पसंद आए। ये हमने बर्तन लिया है, उसमें हमने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है, उसे आप इसमें ऐड कर लीजिए। और प्याज को ब्राउन नहीं कीजिएगा गाइस, सिर्फ पिंक कलर होने तक उसे आप फ्राई कीजिएगा। उसके बाद हमने एक कैप्सिकम लिया है जिसे हमने बिल्कुल बारीक काटा है, आप ये देखिएगा, बिल्कुल ही बारीक काटा है। देखिए हमारा ये प्याज पिंक कलर का हो रहा है। उसके बाद फिर आप वो कैप्सिकम जिसे हमने कटिंग किया है बिल्कुल बारीक, उसे इसमें ऐड कर लीजिएगा। और फिर उसे भी आप 2 से 3 मिनट के लिए उसमें मिक्स कर लीजिए। और ये है 4 से 5 पीस हरी मिर्च, उसे आप बारीक काट लीजिए और उसे भी इसमें ऐड कर लीजिए। और ये है नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा गैस। और ये जो चिकन है जो हमने शुरू में आपको क्लिप दिखाई है जिसे हमने बॉईल किया है, उसे हमने जब वो ठंडा हो गया बॉईल होने के बाद, तो उसे हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस में हमने तोड़ लिया है। आप भी इसी तरह कर लीजिएगा, बहुत ही इजीली ये टूट जाता है, आप करके देखिएगा गैस। ये 250 ग्राम चिकन बोनलेस था जिसे हमने बॉयल किया था। उसके बाद फिर हमने उसमें 4 पीस मीडियम साइज़ के आलू थे जिसे हमने बॉयल किया और उसमें हमने ऐड कर लिया। सॉरी गैस, वो हमने क्लिप शूट करना भूल गए, इस वजह से आपको हम नहीं दिखा पाए। और उसमें चिकन और आलू को उस प्याज के मिक्सचर में आप मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें 4 से 5 ब्रेड ले लीजिए और उसे रफली आप तोड़ लीजिए। और उसमें आप 1/2 गिलास उसमें दूध ऐड कर लीजिए और उस मिक्स जो ब्रेड है उसे अच्छी तरीके से उसमें मिक्स कर लीजिए। और ये है चीज़, ये हमने 100 ग्राम हमने चीज़ लिया है, उसे हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ये ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कीजिएगा। और ये हरी धनिया है, हरी धनिया को भी आप बिल्कुल बारीक काट लीजिएगा और उसे इसमें ऐड कर लीजिएगा। और ये है कॉर्नफ्लावर, 3 से 4 चम्मच आप कॉर्नफ्लावर उसमें ऐड कर लीजिएगा। कॉर्नफ्लावर ज़रूरी है क्योंकि ये बॉन्डिंग करती है, अच्छे से बाइंडिंग हो जाता है इससे, इस वजह से इसे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा गैस। और उसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये चिकन और पोटैटो का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें आप ऐड कर लीजिए। और फिर टोटल इंग्रेडिएंट को आप अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। और फिर आप हाथों पे तेल अप्लाई कर लीजिए और इसे इस रोल शेप में आप बना लीजिए। आप ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, इसी शेप में आप इसे बना लीजिएगा। यानी जितने भी मिक्सचर है उसे आप इस शेप में बना लीजिए, हम आपको अभी बनाकर दिखाते हैं गैस। आई होप आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। आप आज तो रोज़े का 24वां रोज़ा है। देखिए हमने टोटल को हमने इस तरह से हमने बना लिया। और उसके बाद ये जो हमने अंडा लिया है उसमें हमने 1 पिंच नमक ऐड किया है, उसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। और उसके बाद ये जो हमने रोल बनाए हैं उसे अंडे में आप इस तरह से डिप कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से डिप कीजिएगा क्योंकि अंडे का कवर ज़रूरी है उसके ऊपर। उसके बाद ये मैदा है, मैदे को इसके ऊपर आप लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से उसे कवर कीजिएगा, देखिए चारों तरफ इसका हमने कवर कर लिया है। उसके बाद फिर इसको
इस रोल को आप फिर अंडे में डिप कर लीजिएगा, यानी इस पर दो लेयर इस पर यानी कोटिंग चढ़ेगी, एक आटे की और एक क्रम्स की। उसके बाद देखिए ये हम दूसरी कोटिंग इस पे कर रहे हैं क्रम्स की। क्रम्स की भी कोटिंग आप अच्छे से कीजिएगा। टोटल जितने भी हमने रोल बनाए हैं उसे आप इसी तरह से आप कोटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद ये हम देखिए हमने फ्राई करने के लिए तेल हमने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। ये देखिए हम टोटल जितने भी रोल थे हमने उस पर इसी तरह कोटिंग कर लिया है। उसके बाद तेल को अच्छी तरीके से हमने गरम कर लिया। उसके बाद 2 से 3 इसमें आप डाल के इसे फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से फ्राई कीजिएगा गैस, और एक बार ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना ये टूटने का इसको डर रहता है, इसलिए 2 से 3 बार इसे डालकर आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। और एक तरफ जब अच्छी तरीके से लाल हो जाए तब फिर दूसरी तरफ आप इसे ट्रांसफ़र कीजिएगा, ऐसा नहीं कि फौरन ही कर लीजिएगा तो ये टूटने का इसको डर रहता है। तो गैस देखिए ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। तो गैस देखिए ये हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। उसके बाद फिर आप इसको निकाल लीजिए और केचप के साथ इसे सर्व कीजिए। और हो सके तो इस रमज़ान तो रोज़े यानी जा रहे हैं, मगर अगर अच्छा आपको लगा मेरा रेसिपी तो प्लीज़ इस रोज़े इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएंगे। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से एक बार अपनी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान मुबारक हो। ये देखिए हमारा टोटल फ्राई हो चुका है। तो गैस देखिए हम इसे कटिंग करके भी आपको दिखा रहे हैं, अंदर का भी अच्छी तरीके से ये पक चुका है। तो गैस खुदा हाफिज़।